पानी के टांके में बेटे को बसाने कूदी माँ, दोनों की मौत। 9 साल के बेटे को टांके में डूबते देख बसाने के लिए माँ ने भी छलांग लगा दी। डूबने से दोनों की मौत हो गई। सुबह घर वाले उठे तो माँ बेटे को गायब देखकर तलाश शुरू की। टांके में दोनों के शव मिले तो कोहराम मच गया। घटना बाड़मेर जिले के बिजराज इलाके की है। थाना अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि रत्तासर जादूलों का तला गांव निवासी मनोज और उसकी मां रेखा दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। रेखा के भाई ने रिपोर्ट में बताया कि रेखा और उसके पति हरिराम और बच्चे खाना खाने के बाद सो गए थे। सुबह करीब 6 बजे मनोज टांके पर पानी पीने के लिए गया। टांके से पानी निकालते समय संतुलन बिगड़ा और टांके में गिर गया। बेटे को गिरते देख माँ बसाने दौड़ी और टांके में छलांग लगा दी। पानी में डूबने से माँ बेटे दोनों की मौत हो गई। सुबह माँ बेटा दोनों गायब मिले तो घर वाले तलाश करने निकले। टांके के बाहर चप्पल देखकर टांके में देखा तो दोनों के शव नजर आए। घर वालों ने आसपास के लोगों को बुलाया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीयर पक्ष के आने के बाद दोनों के शव टांके से बाहर निकाले। सोहटन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सबूत किए। परिजनों की रिपोर्ट पर शिकायत दर्ज कर ली गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रेखा की शादी 17 साल पहले हुई थी। रेखा के 3 बेटियां और 1 बेटा है। पति हरिराम जालौर पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। शनिवार को ही घर आया था। रात को कुछ मेहमान भी घर पर आए हुए थे। मनोज 4th कक्षा में पढ़ता था। सबसे बड़ी बेटी गुड्डी 10th कक्षा में, सुखी 9th कक्षा में और सबसे छोटी बेटी विमला 8th कक्षा में पढ़ती हैं। इस बीच अनहोनी होने से पूरे परिवार में कोहराम मच गया।